वो तेज मात पास हूँ, ट्रैक ट्रैवल दार हूँ, कुछ दाख नहीं हूँ मैं। मेरा नाम क्या भरोसा है, मैं तो बड़ो बड़ो को सीधा कर देता हूँ। मैंने तो कर लिया, और लकी ने शायद अभी करना है। वो तो नाश्ता करके कब का निकल चुका? निकल चुका कहाँ से है? फिलहाल तो घर से निकला है, देखो अब हाथों से कब निकल गया। हाथों से तो निकलना था तो निकल गया, उल्लू का पुत्र कई सालों से इम्तिहान में से निकला। अभी कई सालों से उसे सूरज की शक्ल तक नहीं देखी। नवाब साहब दोपहर को सो के उठते, इसी बहाने एक नाश्ता तो बच जाता है ना। जी हाँ, और नाश्ते के साथ साथ वो क्लास भी बच जाती है, जिसके लिए उसे सुबह 8 बजे बुलाया जाता है कॉलेज। चलो अच्छी बात है ना, ख्वाबों को देखना कोई पाबंदी तो नहीं है, अच्छी नौकरी के ख्वाब देखता होगा। मैं तो जल्दी उठ जाता हूँ ना। मुझे तो लगता है कि वो सारी सारी रात जागता रहता है। सारी सारी रात जागता, तो मैं कैसे पता चला सारी सारी रात जागता उल्लू का पुत्र? अरे भला मुझसे क्या छुपा रह सकता है, पूरे मोहल्ले की पल पल की खबर रखती हूँ मैं। हाँ ये बात तो है, जब से शादी हुई है ना, मैंने तो लोकल न्यूज सुनना ही छोड़ दी है, सब कुछ तुम्हारी जुबान से पता चल जाता है। वैसे ये बात बताओ कि ये उल्लू का पुत्र सारी सारी रात जागता क्यों है भाई? हाय हाय, कैसे नींद आएगी उसे, दिल लगा के जो पढ़ना शुरू कर दिया। तो अच्छी बात है ना, दिल लगा के पढ़ना शुरू कर दिया, अगर शुरू से दिल लगा के पढ़ता तो पास ना हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि इस दफा वो इम्तिहान में से पास हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के इम्तिहान का तो मुझे पता नहीं है, हाँ अलबत्ता इश्क के इम्तिहान में जरूर पास हो जाएगा। इश्क का इम्तिहान? ये इश्क का मजमून जो है निसाब में कब से शामिल हुआ है? निसाब में नहीं, नसीब में। उसके नसीब में आजकल वो किताब शामिल हो गई है जिसका नाम शुमाइला है। शुमाइला? अच्छा, कोई मुश्किल किताब होगी? खूबसूरत है, खूबसीरत है, एमए में है। लकी के लिए तो मुश्किल होगी ना, लकी को मिल कैसे गई आजकल? तो उसे मांगे किसी लाइब्रेरी से मिल गई होगी। लाइब्रेरी से क्या मिल गई होगी? ये शुमाइला किताब जिसका तुम जिक्र कर रही थी। शाबाश, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। जाफर साहब, मैं किताब की नहीं उस लड़की की बात कर रही हूँ जिससे आपके साहबजादे आजकल दिल लगा के पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि इस घर में बहू आने में उतनी देर है जितनी के इस मुल्क में खुशहाली आने में। वह कोई चीज लड़ गई है तुझको? और नहीं सर जी, आपका घोड़ा तो बिल्कुल बेकार हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा। अल्लाह देते, ये तेरा वहम है, ये शतरंज का घोड़ा है, हमारे दफ्तर का कोई बंदा नहीं जो नकारा हो गया हो। और सर जी आप तो तंज के तीर चला रहे हैं, शतरंज की चाल चले आपको मात हो रही है। वो कैसे हुआ? आप अपने मुशीर से पूछे। क्यों मोना जी, आई थिंक मैंने आपको गलत मूव्स बता दिए, लेकिन अगर आप बाजी हार भी जाएं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, और इस चीज से बिल्कुल नहीं आपको डरना, ठीक है? इस चीज से? इससे, ये गॉड गिवन से। आप ऐसा करें कि आप अपना घोड़ा यहाँ पे चलते हैं। मोना जी, कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि आप और ये घटपैंडवा दोनों सुपर पावर हैं, और आपने गेम पर कब्जा जमाया हुआ है, और मुझ नमाने को सिर्फ मोरा इधर से उधर रखने के लिए बिठाया हुआ। और सर जी आप तो सियासत पे उतर आए हैं, क्या आपके दिल में इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश पैदा हो रही है क्या? वे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। करमदाद साहब, आई थिंक यू शुड कंसंट्रेट ऑन योर गेम। हां, मुझे लग रहा है आपकी गेम का दम निकल रहा है। ख्वाहिश तो मेरी भी यही हुआ करती थी कि जिंदगी में ही शादी हो जाए। क्या? हाँ तो शादी जिंदगी में ही होती है ना, इंसान के मरने के बाद तो शादी नहीं हो सकती। ये कहीं आप अपने बॉस की तरह दूसरी शादी का इरादा तो नहीं रखते? वे
लानती करदार, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी की बात कर रहा हूँ। अभी होता पता क्या है कि मेरी बीवी अपना चकोर सा चेहरा लेकर मेरे सामने बैठ जाती है और मैं अपना डब्बे जैसा मुंह लेकर उसको देखना शुरू कर देता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को देख देख कर बोर हो जाते हैं। लेकिन क्यों करमदास साहब, आप और आपकी बीवी जो है वो सारा वक्त एक दूसरे का मुंह क्यों देखते रहते हैं? आप लोगों के घर में टीवी नहीं है, टीवी क्यों नहीं देखते? मुन्ना जी, मैं जिंदा जीती जागती तस्वीरें देखना चाहता हूँ, मुर्दा प्रोग्राम नहीं। सर जी, जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाए ना तो उसे हर प्रोग्राम मुर्दा नजर आता है। लाइव ट्रांसमिशन देखा करें। बेगम साहब ठीक ही कहती हैं कि कम से कम जो ऊपर वाला मकान का पोर्शन है ना जी, वो किराए पर दे दिया जाए ताकि किराएदारों की सूरतों में कोई रौनकें तो नजर आए ना जी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन करमदास साहब मुझे आप एक बात बताएं, आप खुद किराए के घर पे रहते हैं ना, तो फिर आप अपना घर किराए पे कैसे दे सकते हैं? जी मैं तो किराए के घर में रहता हूँ मगर किराया मैं देता नहीं हूँ। नहीं लेकिन आप किराए के घर पे रहते हैं और आप दफ्तर से घर का किराया लेते हैं। जी मैं दफ्तर से किराया इसलिए लेता हूँ कि मैं किराए के मकान में रहता हूँ। नहीं नहीं, आई एम वेरी कंफ्यूज। देखें, सबसे पहले तो आप दफ्तर से किराया लेते हैं घर का, ठीक है, लेकिन आप घर का किराया नहीं देते। ओ जी ये सारी दफ्तरी गुंजले हैं मोना जी, आप नहीं समझ सकेंगे। अभी आप कम सिन है, ना समझ है और निदान है। ओहो मोना जी, मैं आपको बताता हूँ, करमदास साहब का जो घर है वो इनकी बेगम का घर है, ये वहाँ मुफ्त रहते हैं और इनके घर में मैं मुफ्त काम करता हूँ। शट अप। अगर वो आपकी बेगम का घर है तो फिर आप दफ्तर से किराया क्यों लेते हैं? मुझे दफ्तर से किराया इसलिए लेता हूँ कि वो चाहे मेरी बेगम का मकान है मगर मैं तो किराए पर ही रहता हूँ। सर जी आप सब बातों को छोड़े इधर ध्यान दें, एक आपको मात हो चुकी। वे, ये बड़े अफसर को बातों में लगा कर तूने गेम उल्टा पुल्टा के रख दिया है। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया। अगर तूने हाथ तक नहीं लगाया तो ये बेजान मोरे खुद ब खुद इधर उधर खिलर के मुझको हरवाने में कामयाब हो गए हैं। अब तेरी सजा यही है कि बच जा और दो कप मोटी मलाई वाली चाय के मोना जी के वास्ते लेकर आ। नो नो नो, मैं मोटी मलाई वाली चाय नहीं पीऊंगी, वो जेफी अभी आने वाला होगा, आई विल हैव कॉफी विद हिम। उनके साथ कॉफी तो आप पीती ही रहती हैं, कभी हमारे साथ भी चाय का कॉफ पी लिया करें। श्योर करमदास साहब, मैं जरूर पीऊंगी, लेकिन देखिए ना क्या टाइम हो गया, जेफी आने वाला होगा, यू नो हाउ ही इज। और तुम्हारा क्या नाम है? अलादिता। गॉड गिवन। गॉड गिवन की उठाओ शतरंज। करमदास साहब, दिस इज नॉट आवर लॉन, हम यहां बैठ के नहीं शतरंज। बिल्कुल सही फरमा रही है, मैं तो लानत भेजता हूं इसके साथ खेलने पर भी। यह मतैत है और मैं अफसर आदमी हूँ मगर ये मुझे बातों में लगा लेता है। अच्छा चलिए उठाओ कुर्सियां, ये चलो यहाँ। सर जी वो कंटीन से चाय अपने पैसों से जाकर ले आ। फिर रहने दीजिए क्योंकि चाय सेहत के लिए मुजिर होती है। सर जी उठाएं, सर जी कुर्सियां उठाएं, जाफर हुसैन साहब आने वाले। अब सर अब ये कुर्सियां नहीं उठाएगा। सर जी उठाएं ना, कोशिश करें। बैठो बैठो मानो बैठो। थैंक यू जी। और ये तुम्हारी जींस कैसे तब्दील हो गई है? सर जी आपको कैसे पता चला? ये तुम्हारे कुर्सी पे बैठने की वजह से। अच्छा मेरे बैठने से आपको पता चला है? मैंने मोना को बैठने के लिए कहा था, तुम कैसे बैठ गए? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और मोना मैंने तुम्हारी सवारी की वजह से इसे नौकरी दी, लेकिन तुमने इसे ये नहीं बताया कि जब तक अफसर बैठने को ना कहे मतैद का बैठना बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी नौकरी की जड़ों में बैठने के बराबर हो। सर मेरे ख्याल में आपका रमदाद साहब को समझ में आ गई होगी। एनीवे सर, ये आज की न्यूज़पेपर्स। हमारे खिलाफ कुछ छपा तो नहीं? सर आपके होते हुए कैसे कोई लिख सकता है? और जिस दफ्तर में इस जैसे हो ना नलायक आदमी, हर चीज मुमकिन होती है। सर जी मैं तो अपना हर काम बड़ी दयानतदारी से करता हूँ जी। और दफ्तर में सिर्फ दयानतदारी ही नहीं, चुस्ती और जहानत की भी जरूरत होती है। सर जी आप मेरी जहानत और चुस्ती के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं, आप तो पिछले जमाने से मेरे वाकिफ है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया करो। इसे देखो, देखो इसमें क्या है। सर जी ये क्या है? ये तो एक सबवे वाली फाइल है। ओ मोना बताओ इसे कि क्या है ये। देखिए करमदास साहब, ये जो फाइल है ना, ये एक लकी नामी बंदे की फाइल है और हमें उसकी हरकत और सकनात पे नजर रखनी है। अब बात समझ आई कि नहीं? ऐसी सर हिला रहे हो, तुमने इस लड़के पर नजर रखनी है कि ये कॉलेज कब जाता है, वहां से निकल कर कहां जाता है, किससे मिलता है, मुझे सारी रिपोर्ट कल चाहिए।
सर जी वो हरकत तो सुकनात पर नजर रखने के लिए जो सामान दरकार है वो मुहैया कर। सारा सामान ना अल्लाह ने ये दो आंखें तुम्हें किस लिए दी है इतनी मोटी मोटी है? सर जी लड़का जब चलते चलते मोटर पर सवार हो गया तो आई हाउ हाउ कुड आई फेस कैच हिम। जेफी आई थिंक ये जो ऑफिस की कन्वेंस है उनकी बात कर रहे हैं। तो वो जो दफ्तर में मोटरसाइकिल है वो किस दिन काम आएगा? सर जी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए अगर मैं लड़के पर नजर रखूंगा तो अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो गया तो फिर। अरे तुम तो हो ही बहाने बाज आदमी है, जाओ वो उस लड़के को ले जाओ साथ। वो क्या है मुझे? वो नाटा सर जो है वो उसका नाम गॉड गिवन जी। जेफी ही मींस अल्लाह देता करमदार। हां जी हां जी हां जी जाओ जाओ उसको साथ ले जाओ, मुझे रिपोर्ट पेश करो कॉलेज की। ओके सर। मोना जी अब क्या करना है? सर अगर आपको भूख लगी तो मैं नाश्ता बनवा दूं। नाश्ता वाश्ता छोड़ो, को अच्छी सी कॉफी हो जाए ना तो बस। एनी टाइम जेफी वन कॉफी कमिंग अप। थैंक यू। 100 रुपया रक्षे वाले को दिया, 100 रुपया रक्षे वाले ने लिया, 200 रुपये। क्या हुआ सर जी? बेइज्जती। किसने की है? तू तो दांत इस तरह निकाल रहा जैसे मेरी बेइज्जती हुई है। डर उस वक्त से जब तेरी बेइज्जती होगी, ये देख इस फैल में क्या है। एक अदद लड़के की तस्वीर है सर। बड़े साहब ने ऑर्डर दिया है कि इस पर नजर रखनी है। ये किस वक्त कॉलेज जाता है और वहां से फारग होकर किधर का मुंह करता है, इसकी तलाश के लिए जिस सामान की जरूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट बनाओ। बिल्कुल ठीक है सर, बताइए सर। लिख एक अदद दूरबीन। सर जी तस्वीर देखने के लिए दूरबीन नहीं खुर्दबीन की जरूरत होती है। हमने लड़के पर नजर रखनी है उसके लिए दूरबीन ही चाहिए। आगे लिखवाए सर। 2 किलो आम। आम किस लिए सर? वो अगर वहां पर देर होगी तो भूखे रहेंगे हम। सर वहाँ किसी दुकान से लंच कर लेंगे। वो नहीं, लंच नहीं करना है। अच्छा तू अफसर के साथ बैठ कर लंच करेगा? सर बैठ के नहीं, मैं खड़े होकर लंच कर लूंगा। हम वर्किंग लंच करेंगे। वर्किंग लंच क्या होता सर? ये बड़े अफसर लोग करते हैं, साथ में काम भी करते हैं और खाते भी। और सर जी मैंने तो हमेशा ये देखा है कि अफसर लोग काम से पहले खाते हैं और काम करने के बाद में खाते हैं। तू ये बता मुझको कभी खाते देखा है? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ? कि आप अफसर नहीं है। वह कच्छू कुमे वह मेरी बिस्ती कर रहा है, जल्दी से उधर आके ना कमरे में लिस्ट आपसे अप्रूवल लेनी आ जा। काफी भी पीने ना देना सर जी। ये आप ना चेक करें। बैठो बैठो। क्या है ये? सर जी एक्सपेंडिचर्स ऑन द केस। उर्दू में बात करो, अंग्रेजी में मुंह ना मारो। सर जी मुल्जम पर कड़ी निगाह रखने पर जो अखराजात उठेंगे वो मैंने दर्ज किया है। एक दूरबीन, 2 किलो आम और 4 लीटर पेट्रोल, ये किस लिए है? सर जी मोटरसाइकिल में आम जो है पेट्रोल जो है वो तो पड़ता है ना। अच्छा चलो तो किस लिए? ये सर मैंने अपने वास्ते, मैंने सोचा है कि किसी रेस्टोरेंट में बैठ के जो लंच करना है और जरे मुबादला जाया करना है तो व्हाई नॉट वर्किंग लंच किया जाए ताकि मुल्जम पर कड़ी निगाह रखी जा सके। वो मुल्जम या मुजरम नहीं है, वो एक शरीफ नौजवान है। अच्छा ये बताओ ये 2 किलो आम अकेले खा जाओगे? नहीं सर जी मैं आपके वास्ते भी बचा कर ले आऊंगा। मैं अपने पैसों से आम नहीं खाता है, पकड़ो है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस रखो पास। सर जी मैं ये फिर फाइल के ऊपर लिख दूं कि क्लोज्ड फॉर एवर। ओए केस क्लोज नहीं करना, इस पे काम करना है। बस में बैठो और कॉलेज पहुंचो। सर जी अगर उस नौजवान के पास कार हुई तो फिर? ओए मोटर छोटर कार उसके पास कुछ नहीं है, वो किसी से लिफ्ट भी तो मांग सकता है। अरे दे लो मुझे पूरा। ये लो सर जी, 1 आम और 2 लीटर पेट्रोल। सर जी तो वो गार्ड गिवन क्या खाएगा? आम खुद खा लेना और कुछ लिख से दे देना, जाओ काम करो। बाप मदद के इंचार्ज आप ही हैं? हाँ जी करमदास स्पीकिंग ऑन द लाइन जी। सर मेरी मदद करें सर। मदद आप कोई फकीर हैं कि आपकी मदद की जाए? और नहीं सर
सर वो मेरा भाई है ना, सर वो हादसे का शिकार हो गया। मगर शिकार पर तो हमने पाबंदी लगाई हुई है। सर उसकी टांग टूट गई है। अच्छा अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि शिकारी जो है वो लंगड़ा है। नहीं सर, वो मेरा एक भाई है, उसकी टांग जख्मी हो गई है, उसकी मदद के लिए आप मेरे साथ चले सर। और जी, हमको फारग तो नहीं बैठे हुए ना कि आपकी मदद के वास्ते सारा टीना टोकरी उठा के वहां जाए। आप जख्मी जो है उसको यहाँ ले आए, जो मदद दरकार होगी वो कर देंगे। और सर वो अगर इस काबिल होता तो मैं आपके पास ना आता सर, आप मेरे साथ चले सर। ना आपने हमको फारग समझा हुआ है। सर जी, हाँ। बंदा बॉस ही खड़ा हुआ है। वो तो देख नहीं रहा कि मैं टेलीफोन सुन रहा हूँ, बड़ा जरूरी। सर जी फोन तो सुबह से खराब है। वो अफसर तू है कि मैं हूँ? आप है सर जी। टेलीफोन तू सुन रहा है कि मैं सुन रहा हूँ? आप सुन रहे हैं सर जी। वो तो कैसे कह सकता है तू कि वो ये टेलीफोन खराब है। ओ सर जी, मेरी भी सुने, उस वक्त से आप मेरे से बातें कर रहे हैं। सद के जाऊं तो एक घंटे से तू खड़ा मिसमिसा रहा है, तो बोला क्यों नहीं है? सर जी मैंने बताया है कि मेरा भाई है, उसकी टांग टूट गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका भाई जो है उसकी टांग टूट गई है, आप कोई अनपढ़ आदमी हो? नहीं जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़े लिखे हो तो बाहर जो बोर्ड लगा हुआ वो पढ़कर अंदर आए हो? मैं बोर्ड पढ़ के ही आपके पास आया हूँ। क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर? अवामी मदद का इदारा। कहीं ये लिखा हुआ है कि ये अस्पताल है? नहीं। तो फिर तुम अपने जख्मी भाई का इलाज करवाने के वास्ते यहाँ क्यों आए हो? सर मैं इलाज कराने नहीं, मैं मदद मांगने आया हूँ, उसको पहाड़ से निकालने के लिए आप मेरे साथ चलें। वह सदके जाऊँ, वह टांग तोड़वाने के वास्ते तेरा भाई पहाड़ पर चला गया, हालांकि यही काम वो यहाँ किसी वैगन वाले से कहता तो वो मुफ्त में हो जाना था। गलती हो गई सर जी, आइंदा नहीं होगा, मेरे साथ चलो। वो कमाल करते हैं आप, गलतियां आप करते हैं, भुगतनी हमको पड़ती हैं। ये रजिस्टर है, इसमें अपने तमाम कवायफ लिखे हैं, अपना नाम, अपने अम्मी अबू जी का नाम, अबू जी ने दूसरी शादी की है तो उस खतून का नाम, उन तीनों के शिनाख्ती कार्ड का नंबर, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर और फुटप्रिंट। ये लिखो सर जी, उसने शिकायत दर्ज करानी है या वीजा अप्लाई करना है? वो गॉड गिवन, अल्लाह देते हैं। खामोश रह, ये कार्रवाई पूरी करवा। एक मिनट ठहरो जी, मैं जरा बड़े अफसर से बात करके आता हूँ। सर जी एक इमरजेंसी केस आ गया, वहां पर पहले जाना पड़ेगा जी। कौन सा इमरजेंसी केस है? सर जी एक बंदा, उसका भाई जख्मी हो गया, उसकी मदद के वास्ते। तो करो जाकर मदद, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं आपसे इजाजत तलब करने आया हूँ। मेरी इजाजत क्यों जरूरी है भाई? सर जी वो अखराजात के सिलसिले में जी। अच्छा अच्छा, खर्चा समझ गया मैं, अखराजात। सर जी मदद के दौरान जो अखराजात होंगे तो उसके लिए मैं आया हूँ कि इससे पहले कि आप मेरी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज कर दे, मैंने कहा आपसे अप्रूवल पहले ही ले ली जाएगी। करमदाज मैं तुम्हें खूब समझता हूँ, लेकिन रसीदें मुझे पक्की चाहिए। बात पक्की, रसीदें सब हाजिर की जाएंगी सर जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू योर ओबीडियंट सर्वेंट, मदद हो हाजिर हूँ, मदद को जानो दिल से। पता नहीं अल्लाह ने क्या चीज बनाई है। वो जी जिसका भाई जख्मी हुआ है, इसने रजिस्टर में खानापूरी कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल तसल्ली रखें जी, आपका काम अभी तमाम हो जाएगा जी। तुम इसमें लिखो जी सर, 4 किलो अच्छे वाले आम। 4 किलो? लेकिन सर जी आम तो मैं पहले लिख चुका हूँ। वो एक केस एमरजेंसी का है, इनका भाई जख्मी हो गया है, उसको आम बड़ा फायदा पहुँचाएंगे, एनर्जी की जरूरत है उसको, अगर एनर्जी वहाँ देनी पड़ गई तो जंगल बियाबान में किधर से लाएंगे? सर जी एनर्जी के लिए दूध भी तो हो सकता है। तूने मेरे मुंह की बात छीन लिया है। वो लिख 2 किलो दूध। 2 किलो दूध? 1 तरबूज। 1 तरबूज? वो किस लिए? वो खाने के लिए, और किस लिए? और लिखो सर, 2 किलो सूजी। 2 किलो सूजी? 1/2 किलो देसी घ्यो। 1/2 किलो घ्यो देसी? 1 किलो खंड? 1 किलो खंड? सर जी ये तो हलवा बन जाएगा। हाँ तो हलवा बन जाएगा, तो उनका भाई जो है वो सीरियस कंडीशन में है ना जी, तो वहाँ अगर उसकी मदद करते हुए हमें 3-4 दिन लग गए तो हम बेचारे हलवा खा खा के तो जिंदगी गुजारेंगे। सर जी माफी के साथ, ये हलवा बनाएगा कौन? वो तुझको मैं अपने साथ किस लिए लेकर जा रहा हूँ, हलवा पकाने के वास्ते, और क्या? क्या कर रहे हैं जी, मेरी भी थोड़ी सी सुन ले। जी 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 हम आ रहे हैं आपकी सुनने के वास्ते ही आ रहे हैं जी। हाँ जी बताएंगे क्या बात है। ये क्या हो रहा है सर? ये
दफ्तरी कार्रवाई हो रही है, जाने के इंतजाम कर रहे हैं और आप हम पर शक कर रहे हैं। आगे देखो। जी सर। सर मेरे भाई की हालत अभी तक पता नहीं हर कैसी होगी होगी। देखो ये अल्लाह के कामों में बंदे का कोई दोष नहीं है कि वो उसमें दखल दे सके, जो उसको मंजूर हो। तुम्हारा भाई इस वक्त कहाँ होगा? सर यहाँ से कोई सर 2-3 किलोमीटर दूर है सर। 2-3 किलोमीटर? वह अल्लाह देते गॉड गिवन सर। वह बचड़िया TADA फार्म नकार और उस पर 40 किलोमीटर का फासला दर्ज कर दे और कन्वेंस के तौर पर मिस मोना को जाकर कहो कि चेक बना दे, सीरियस मामला है। लेकिन सर जी एक मसला है। वो क्या? चेक बनवाने का फायदा ही नहीं। क्यों? बैंक टाइम तो खत्म हो गया। एक्सक्लूज मी प्लीज, आप जरा लेट आए, अगर वक्त पर आए होते तो हम जरूर आपकी मदद करते, लेकिन अब हम मदद करने से कासर हैं। वक्त पे? और बुजुर्गों में वक्त पे कैसे आता? मेरे भाई को जब टांग पे चोट लगनी थी मैंने तभी आना था आपके पास। इस तरह चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है तुम्हारी? भजन आप शुक्र है भजन आप ठीक है। भजन आप? मैं ठीक हूँ यार, पिछले 3 घंटे से वहां मैं सड़क पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है भजन, बस मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं इन लोगों के पास मदद मांगने आ गया। शुक्र है आप ठीक है, बस आप चलिए। मदद? पिछले 3 घंटे से तो यहाँ पे इन लोगों के साथ क्या कर रहा है? अजीब से लोग हैं आप, बस चले, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताता हूँ। चले प्लीज चले हॉस्पिटल। भाई को भाई मिले कर लंबे हाथ। सर जी हमारी तो सारी मेहनत जाया हो गई। जाया कैसे चले गई? वो बेवकूफ अपनी स्टेटमेंट लिख दो कि हम बड़ी मुश्किलों से मौका वारदात पर पहुंचे और हमने जख्मी की फुल मदद की। जख्मी को खैर खरीत से उसके घर पहुंचा दिया। इस पर इन दोनों भाइयों के दस्तखत करवाओ, अगर ये ना माने तो जबरदस्ती करवाओ।